सोशल ट्रेड बेस के बारे में हमारे खुलासे को लेकर हमें सोशल ट्रेड के शुभचिंतकों की प्रमुख प्रतिक्रिया ये मिली कि पहले सोशल ट्रेड को समझो, बिना वजह किसी को बदनाम मत करो। चलिए समझते हैं सोशल ट्रेड को, और जिन लोगों को आधा अधूरा समझ आया है वो भी ज़रा ध्यान से समझें। ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर प्रमोशन करते हैं, उससे जो पैसा आता है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनके पास चार प्लान है, एसटीपी 10 5,750 रुपये कीमत का, एसटीपी 20 11,500, एसटीपी 50 28,750 और एसटीपी 1,000 57,500 कीमत का। ये सोशल ट्रेड प्लान की कीमत है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। आप इतने पैसों से अपना ऑनलाइन प्रमोशन करा रहे हैं कंपनी से। तो सोशल ट्रेड बिजनेस ट्रेड किया, आप एक तरह से कंपनी के कस्टमर हो गए और कंपनी आपका ऑनलाइन प्रमोशन करके आपको सर्विस दे रही है। जिस व्यक्ति ने ऑनलाइन बिजनेस करना है उसे ऑनलाइन प्रमोशन की ज़रूरत है, समझ आता है, क्योंकि उस प्रमोशन की वजह से उसे कस्टमर्स मिलेंगे और उसकी बिक्री बढ़ेगी। लेकिन जो ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर रहा उसे आपको ज्वाइन करने से पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी होगी, जिससे आप उसका ऑनलाइन प्रमोशन कर सकें। ये ठीक ऐसे है जैसे किसी की दुकान में कोई सामान नहीं है और वो अपना विज्ञापन करा रहा हो। खैर, सब ने अपनी अपनी ऑनलाइन दुकान खोल ली है और अब सब अपना अपना ऑनलाइन प्रमोशन कराने के लिए सोशल ट्रेड को पैसे दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप बिजनेस मॉडल? ऑनलाइन प्रमोशन के बहाने MLM के जरिए पैसे की बंदरबांट। ये कहते हैं ऑनलाइन प्रमोशन का पैकेज बेच रहे हैं हम। स्पीक एशिया कहती थी, मैं 11,000 रुपये में अपनी ऑनलाइन मैगजीन का सब्सक्रिप्शन बेच रही हूँ। कुछ तो कहना पड़ेगा, किसी न किसी चीज़ की आड़ तो लेनी पड़ेगी। जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है MLM के जरिए मिलने वाले पैसे के लालच में उसे खरीदिए। समझ आ रहा है बिजनेस मॉडल आपको? और आपस में एक दूसरे के पैसे को बांटते बांटते इस MLM में जब भी नीचे से पैसा आना बंद हो जाएगा, चाहे वो किसी भी वजह से हो, बंदर बांट बंद। अब जो पहले जुड़ गए वो 40 से 50 लाख रुपए कमाकर छुप करके बैठ जाएंगे, और जो बॉटम लाइन होगी उसका आप सबको पता है क्या होगा। पैसा आप ही लोगों का है, ये हम साबित करते हैं। जितने लोगों का आप टुडेज टास्क में जाके प्रमोशन कर रहे हो, अगर उनसे आ रहा होता ये पैसा तो इस कंपनी का टर्नओवर पहले भी अच्छा खासा होता। अचानक से किसी के पास सैकड़ों कस्टमर्स नहीं आ सकते। टुडेज टास्क में ऑनलाइन प्रमोशन कराने वालों को ज़रा ध्यान से देखिए, हरकेश जूस कॉर्नर, विशाल, अरविंद, क्या ये करोड़ों के टर्नओवर वाली मल्टीनेशनल कंपनी है जो सोशल ट्रेड को बिजनेस दे रही है? कौन है ये लोग? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में अबलेस इन्फो सॉल्यूशंस द्वारा फाइल किए गए फॉर्म नंबर AOC-4 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2013-2014 के दौरान कंपनी की टोटल एसेट्स रुपये 1,97,187.25 थी। 2014-15 फाइनेंशियल ईयर के दौरान रुपये 4,66,702.72। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के दौरान कंपनी का कुल मुनाफा 1,235 रुपये मात्र था, और फाइनेंशियल ईयर 2014-15 के दौरान कंपनी का कुल मुनाफा मात्र 25,348 रुपये। अब फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में अचानक से कंपनी के पास इतने ग्राहक कहां से आ गए कि वो अपने पैनलिस्ट को 25-25 लाख रुपए के चेक बांट रही है। अब ये देवभूमि न्यूज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ये पैसा कहां से आया, इतने समझदार आप लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिजनेस मॉडल ज़रूर आपके समझ आ गया होगा, और आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने देश के लोगों के साथ लालच के वशीभूत होकर धोखा करना बंद करें। इसका अंत भले ही मार्च 2017 में ना हो, पर जब भी होगा बड़ा दुखदायी होगा, और अंत में नासमझ गरीब लालच में मारा जाएगा। लालच आदमी को अंधा कर देता है, कोई भी कहावत सदियों के तजुर्बों से निकल कर आती है। जैसा कि हमने पहले की खबर में भी कहा कि लोगों का पैसा किसी भी बहाने से लोगों में ही MLM के जरिए बांटना गैर कानूनी है। हम तहकीकात कर रहे हैं उन सभी लोगों से भी जिनका ऑनलाइन प्रमोशन ये कंपनी करने का दावा कर रही है। आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, और जहां तक देवभूमि न्यूज़ की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाने वाली बात है तो अभी तो 4.5 लाख के आसपास महत्वाकांक्षी कामचोर हैं जो अब लुटेरों में तब्दील हो चुके, जो वही बिजनेस मॉडल समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं।